हाय एवरीवन, स्वागतम। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके अपने फैमिली पेंशनर के लिए एक सुविधा प्रदान की है। प्रोजेक्ट एसबीआई केयर्स, ऑटोमेशन ऑफ फैमिली पेंशन प्रपोजल इन एचआरएमएस। फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। प्लीज रेफर सर्कुलर नंबर डेटेड 10 मई 2016 रिगार्डिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर द रिलीज ऑफ फैमिली पेंशनर्स। प्रेजेंटली द एप्लीकेशन फॉर फैमिली पेंशन इज सबमिटेड एट द ब्रांच बाय डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हु इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन ऑफ द डिसीज्ड पेंशनर अलोंग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विच ए डेथ सर्टिफिकेट एंड KYC डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा which is forwarded to PPG department of the concerned LHO for commencement of the family pension. The necessary approval accorded after due verification and in turn feed the details of family pension in HRMS in LHO. As a part of Project SBI Cares Phase 2 initiative, the facility for automation of family pension has been envisioned for a quicker and a hassle-free process. Accordingly, a new functionality has been developed in HRMS under PF / Pension / Gratuity title. All new applicants for family pension shall be processed digitally through the new functionality in HRMS portal. Hence, it will expedite the release of family pension, which in turn will bring much needed functional relief and solace to the family of the deceased retirees. यानी कि फैमिली पेंशन के लिए आपको अब ब्रांच का चक्कर लगाने के बजाय एक ही जगह से HRMS के पोर्टल के थ्रू आप उसको अप्लाई करेंगे और उसका अप्रूवल अकॉर्डिंगली आप उनके LHO से हो जाएगा। और स्टेट बैंक का ये कदम फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही सराहनीय और उचित है, ताकि डिसीज्ड मेंबर के फैमिली डिपेंडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस तरह की अडॉप्टेबिलिटी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक को भी करनी चाहिए, ताकि फैमिली पेंशनर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।